कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में रेलवे पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी न किसी तरह से मदद पहुंचाई जाए। जहां एक तरफ श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं और स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन के आसपास के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसी के साथ भारतीय रेलवे पीपी और फेस मास्क बनाने का भी काम कर रही है। इन सब के बीच दक्षिण मध्य रेलवे ने रोगियों की देखभाल की दिशा में अस्पताल में सहायता के लिए एक खास तरह की रोबोटिक डिवाइस डेवलप की है। एडीआरएम हैदराबाद और उनकी टीम ने मिलकर यह रोबोट बनाया है। इस रोबोट के जरिए रोगियों को दवा और चिकित्सा संबंधी कार्यों में मदद की जा सकती है। आरबॉट नाम के इस रोबोट के जरिए बिना किसी शारीरिक संपर्क के रोगियों को खाना भी परोसा जा सकता है, यानी शारीरिक संपर्क से होने वाली बीमारी से बचा जा सकता है और इसकी टेस्टिंग भी की जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मोबाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए खास तरीके का एंड्रॉइड ऐप बनाया गया है। ये रोबोट तमाम लोगों की सहायता कर सकता है। यहाँ पर जो मरीज है उसके पास जाकर उसका तापमान ले सकता है और उससे उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए निर्देश भी दे सकता है। रेलवे के मुताबिक इस रोबोट की वजह से डॉक्टर, नर्स व अन्य सहायक चिकित्सा कर्मचारियों के संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। और इसमें नाइट विजन डिवाइस भी है, सेंसर लगे हुए हैं और इसकी जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम उसकी बात करें तो 80 किलो का सामान इधर से उधर ले जा सकता है और ये सिंगल चार्जिंग में 6 घंटे तक काम कर सकता है। इस रोबोट को सेंट्रल रेलवे अस्पताल लालागुड़ा में लगाए जाने से पहले इसका व्यापक परीक्षण किया गया। यह रोबोट वाईफाई सुविधा से लैस है। इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चलाया जाता है। इस रोबोट में मरीजों के शरीर का तापमान नापने और उसे फोन पर प्रदर्शित करने के लिए सेंसर आधारित सुविधाएं हैं। इस रोबोट में वीडियो कैमरा रोगी और डॉक्टर के बीच में बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इस रोबोट को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है और इसमें 80 किलोग्राम का भार लाने ले जाने की क्षमता है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित इस रोबोट को एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट कंट्रोल के नियंत्रण को भी दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये रोबोट की बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद 6 घंटे तक आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। इस रोबोट के जरिए तुरंत शरीर का तापमान पता चल जाता है और इससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। अगर ज्यादा तापमान है तो इसमें अलर्ट मैकेनिज्म है, साथ ही साथ इसमें नाइट लैंप और नाइट विजन डिवाइस भी लगाई गई है।